दोस्तों सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड इस सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी A53 स्मार्टफोन काफी तगड़ा स्मार्टफोन था एंड इस सीरीज को इम्प्रूव करने के लिए सैमसंग अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A54 5G इंडिया में लॉन्च करने वाला है एंड साथ ही इस स्मार्टफोन की फुल डिटेल बाहर निकल के आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में फुल डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको बेजल लेस पंच होल डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जहां पे डिस्प्ले टाइप की बात करें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी एंड डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.7 इंचेस की देखने को मिलने वाली है। एंड साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहां पे पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 405 PPI डेंसिटी देखने को मिलने वाली है। साथ ही यहां पे रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2400 पिक्सल्स का आपको देखने को मिलने वाला है। एंड साथ ही ये स्मार्टफोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। एंड देखा जाए तो डिस्प्ले आपको काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है। एंड आगे बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 2.2 GHz का ओक्टा कोर CPU देखने को मिलने वाला है। जहां पे ये स्मार्टफोन 7 नैनोमीटर्स के MediaTek के Dimensity 700 प्रोसेसर पे आपको देखने को मिलने वाला है। जहां पे इस स्मार्टफोन में गेमिंग की बात करें तो मालिका G57 आपको GPU देखने को मिलने वाला है। जहां पे आपको गेमिंग काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है एंड आपको कोई भी लैग इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड साथ ही इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है। जहां पे प्राइमरी कैमरे की बात करें तो 50 MP का देखने को मिलने वाला है एंड जो कि वाइड एंगल लेंस का काम करेगा। साथ ही इस स्मार्टफोन के सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो 12 MP का देखने को मिलने वाला है जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस का काम करेगा। एंड साथ ही थर्ड कैमरे की बात करें तो 5 MP का देखने को मिलने वाला है जो कि एक माइक्रो लेंस का काम करेगा। एंड साथ ही आगे इस स्मार्टफोन के कुछ कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो HDR फोटोज क्रिएट कर सकते हो। जहां पे फेस डिटेक्शन का आपको सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है एंड ये स्मार्टफोन से आप 8K 60fps तक वीडियो क्रिएट कर सकते हो। साथ ही इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो सिंगल 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। जहां पे HDR एंड पनोरमा शॉट क्रिएट कर सकते हो। एंड सेल्फी कैमरे की वीडियो फीचर्स की बात करें तो 4K 30fps तक वीडियो क्रिएट कर सकते हो। जहां पे सेल्फी कैमरे में भी आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ ही इस स्मार्टफोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6GB 8GB एंड 12GB की रैम देखने को मिल जाएगी। जहां पे 128GB एंड 256GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस स्मार्टफोन के एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो 512GB की देखने को मिल जाएगी। जहां पे इस स्मार्टफोन में UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है एंड ये स्मार्टफोन LPDDR4X रैम के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो रैम एंड स्टोरेज भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। एंड साथ ही इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में बात करें तो 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। जहां पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड ये स्मार्टफोन USB टाइप C 2.0 को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही आगे इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको डुअल 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 12 बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। एंड साथ ही ये स्मार्टफोन Wi-Fi 6 के साथ आएगा, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड ये NFC को भी सपोर्ट करेगा। जहां पे इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा एंड ये स्मार्टफोन डुअल स्पीकर स्पीकर्स के साथ आपको देखने को मिलने वाला है जो कि यार काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। एंड आगे बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन आपको एंड दिसंबर 2022 में आपको देखने को मिल जाएगा। जहां पे इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 20-21,000 rupees में देखने को मिल जाएगा जो कि यार इस स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग काफी अच्छी प्राइस है एंड आपको इस स्मार्टफोन फीचर्स भी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड ये थी एक छोटी सी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है।